रक्तदान ही महादान है। नमस्कार आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा काफी ही कह लीजिए बहुत ही डीप है, क्योंकि इस ये जो मुद्दा है ना, अक्सर आप देखते हैं कि कई जो लोनमंद व्यक्ति होते हैं, जैसे किसी के ब्लड ग्रुप्स मैच नहीं होते हैं, अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं या फिर आप कह लीजिए कि अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो जो एक ब्लड है वो बहुत एक कह लीजिए मायने बहुत मायने रखता है। और अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच वाले जो आपके डोनर्स हैं वो आपको ना मिले तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का टाइम होता है। सो कहते हैं कि जो ये सबसे ज़्यादा रक्तदान करता है उसे ये जो दुनिया है उसमें महादान भी कहा गया है। So, आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे नरेंद्र हरजाई जी से, जो हमारे साथ इस टाइम हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसा कि मैंने अभी बोला कि रक्तदान महादान जी, तो आपके भी क्या कहते हैं ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस जो आपके बहुत ही निजी है और आप उनके बारे में कुछ बताना चाहें तो जी। रक्तदान महाकल्याण जी तो हमारे देश में सभी को पता है, लेकिन इसमें लोग इंटरेस्ट कम देते हैं। मुझे लगता है कि जितना लोगों को इंटरेस्ट देना चाहिए वो उतना कम देते हैं। मैं कुछ ऐसी शख्सियत को जानता हूँ जो विशेषज्ञ है कि जिन्होंने साल में एक बार, दो बार, तीन बार ये कैंप लगाने हैं, उन लोगों की ये सेवा करते हैं। जिनमें से एक ऐसे शख्स को आज मैं जो पहचान के मोहताज नहीं है, पद्मश्री वी ए चोपड़ा जी, एडिटर पंजाब केसरी। उनका हमारे निवास स्थान अम्बाला में दो बार आना हुआ। मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, फैन हूँ उनका। मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली, हरजाई फैमिली उनकी फैन है। वो 2015 में हमारे निवास स्थान पर आए। उसके बाद अभी 2023 अगस्त में वो हमारे निवास स्थान पर आए। मैं उनका हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ और आज इस आत्मा चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो दो बार इस एज में, जबकि उनसे ज़्यादा थोड़ा चलना फिरना मुश्किल है, हेल्थ उनकी कुछ ठीक नहीं रहती, फिर भी वो दो बार हमारे घर पे आए। और सबसे बड़ा जो है हमारे पिताजी का ये सौभाग्य रहा, वो हमेशा इनके फैन थे। जब वो हमारे घर निवास स्थान पर आए तो उन्होंने मेरे फादर साहब के पैर छुए। ये देखिए, मैं जो महानता की जो शिखर पर बैठते हैं ना, मैं उनका भक्त हूँ, उनका दास हूँ। उन्होंने 2015 में आके, मेरे फादर साहब थे उस वक्त, तो उन्होंने मेरे फादर साहब के पैर छुए हैं। जितने भी लोग 200-250-300 लोग जो गैदरिंग थी, बड़े खास खास वीआईपी लोग बुलाए थे, तो उनमें से जब उन्होंने मेरे फादर साहब के पैर छुए तो मेरे फादर साहब ने ये कहा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। इतनी बड़ी शख्सियत कि मेरे घर में आके मेरे पैर छू रहे हैं, हालांकि मेरे फादर साहब और वो शायद 2-3 साल का फर्क था, मेरे फादर साहब 2 साल बड़े थे उनसे, तो उन्होंने मेरे फादर साहब के पैर छुए, जिनके लिए हम पूरी जिंदगी हरजाई फैमिली चोपड़ा फैमिली की ऋणी है और उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। ये तो है एक चीज। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये आज जो लाला जी पंजाब केसरी के हमारे जगत नारायण जी, जो पद्मश्री विजय चोपड़ा जी के फादर साहब थे, 1980 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 1980 में जो टेररिस्ट ने उनके ऊपर हमला किया, तो आज 44 ईयर्स हो गए हैं। तो मेरा बेटा ऐसा मानना, 44 ईयर्स से ये ब्लड कैंप लगा रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और साल में मुझे पता है एक बार तो लगाते ही हैं, शायद 2-3-4 बार भी ये लगाते हैं। तो मैं इनके ऑफिस में, इनके घर पे भी मेरा जाना हुआ, 4-5 बार मैं गया हूँ, तो बहुत मान सम्मान किया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ऐसी शख्सियत डाउन टू अर्थ है, सबसे बड़ी जो बात है, आज इंडिया में ऐसा कौन सा इंसान है, कौन सी प्रेस है, कौन सा मीडिया है जो पंजाब केसरी पद्मश्री विजय चोपड़ा जी को नहीं जानते। मैं खुले मंच पर बोल रहा हूँ, सब उनको मान सम्मान करते हैं। मैं जिनसे बात करता हूँ वो कहते हैं, हरजाई जी आपका सौभाग्य है कि ऐसी पर्सनैलिटी जो आपके घर पर, आपके निवास स्थान पर आए हैं। तो मैंने कहा जी ये प्रभु का आशीर्वाद है, उनकी ग्रेटनेस है। तो ये बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं बेटा, रक्तदान महाकल्याण। ये आम लोगों को शायद पता नहीं होगा इसकी वैल्यू, बेटा सिर्फ वही जानता है जिसको ब्लड की ज़रूरत होती है इमरजेंसी, और वो मारे मारे घूमते हैं, ब्लड बैंक में जाते हैं, वहाँ उनका ग्रुप नहीं मिलता, तो उनको एहसास होता कि ब्लड की डोनेट करना कितनी इसकी वैल्यू है और कितना भला है, सबसे बड़ा भला है। तो मैं आज देशवासी जो भी मेरी आवाज़ सुनेंगे, तो मैं चाहूँगा कि जब भी आपके शहर में, आज हर शहर में बिल्कुल ये तो कैंप लगते हैं, यस,
तो जहाँ जितना भी हो सकता है तो इसके लिए डोनेट करें अपने ब्लड को और समाज का भला करें, और ये मुझे लगता है कि आज बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, तो मैं चाहूँगा कि ये एक इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें आप। सर अगर बात की जाए ब्लड कैंप्स की, ब्लड बैंक्स की, तो हॉस्पिटल्स में ना आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में ब्लड अवेलेबल होता है, बट कई बार ऐसा भी केस आ जाता है हॉस्पिटल्स में कि उनके पास उस ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है वो अवेलेबल नहीं होता, एक्स्ट्रा ब्लडिंग जो कहते हैं। तो आपके हिसाब से ये जो ब्लड डोनेशन है, तो आजकल आप देख सकते हैं कि नौजवान बहुत कम हो गए हैं जो अभी ब्लड डोनेट करते हैं, तो आपके हिसाब से जो हमारी जनरेशन है जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि ब्लड डोनेट भी करना चाहिए, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बेटा ये एक अच्छा सवाल किया कि कुछ लोगों को तो इन चीज़ों की इतनी जानकारी नहीं है, इसके प्लस पॉइंट क्या है माइनस पॉइंट क्या है पता नहीं है। लेकिन मैं आज जो हमारे यूथ हैं, जो बच्चे हैं तंदुरुस्त हैं भगवान के आशीर्वाद से, मैं चाहता हूँ कि उनको 2 महीने में 3 महीने में एक बार अपना ब्लड जरूर डोनेट करना चाहिए, और डॉक्टर की राय के बिना नहीं करना चाहिए। ऐसे भी हैं कुछ लोग मैंने देखे हैं कि जो डॉक्टर्स उनको अलाउ नहीं करते, वो कहते नहीं आप नहीं देंगे, और कुछ तो ऐसे मजाक में भी एक बात हुई है, वैसे मुझे मजाक करना आता नहीं है, वो कहते हैं जी अगर आप एक बोतल देंगे तो आपको 2 बोतल लगानी पड़ेंगी तब आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर की एडवाइस से आप ब्लड, हमारे बच्चे भी देते हैं जब भी कहीं ज़रूरत होती है तो हमारे बेटे देते हैं, तो ये एक अच्छा भला है, और मुझे लगता है कि इस चीज़ से हमें बढ़ चढ़ कर होना चाहिए, क्योंकि ये जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है ये दर्द उनको पता है कि वो कैसे अरेंज करते हैं, वो कैसे कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। सर आपने कभी दिया ब्लड? मैंने 2 बार दिया। अच्छा 2 बार दिया, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। नहीं, शेयर यही है कि बड़ा आनंद आता है। देखो जी, मैं इस चीज़ से मुझे एक बार तो शौक से दिया, दूसरी बार मुझे किसी ने कहा तो वो मैंने दिया, लेकिन मुझे ये है कि बड़ा आनंद आता है जब आप एक बेड पे लेटते हो और आपका ब्लड जा रहा है, तो आप अपने आप को ना बड़ा सुकून, बहुत पीस ऑफ माइंड कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो वो मदद ही है ना जब आप किसी को देख, तो ये आज जरूरी है, और जो अच्छे इंसान होते हैं ना उनको बताने या समझाने की जरूरत नहीं होती। देखिए मुझे प्राउड भी अपने इंडियन लोगों पर, हिंदुस्तानियों पर, भारतीय पर एक प्राउड है कि अगर ये कहीं किसी का दुख देखते हैं तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा जरूर लेते हैं। जैसा आपने कहा कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कहते हैं ना कि लहू को लहू की खींच होती है जी। क्योंकि जो हमारा खून है वो हमारा हिंदुस्तानी खून है, इसमें आप देख सकते हैं हमारी रग रग में जो हमारा हिंदुत्व है या जो भी हमारे धर्म है, हिंदू सिख ईसाई और मुसलमान, तो हम सबको मेरे को लगता है कि ये सब जो मजहब बनाए गए हैं ये बस ऐसे ही हैं। अगर आप देखें तो हम इंसान एक ही जैसे दिखते हैं, हमारी चाल, हमारी ढाल, हमारे नाक, हमारी आंखें, हमारा खून एक जैसा होता है, किसी का खून व्हाइट तो होता नहीं है, सबका खून रेड होता है। तो आपके हिसाब से ये जो अभी चीजें चल रही हैं, उस हिसाब से ये जो चीजें अभी मैंने बोली कि कोई भी व्हाइट खून लेकर पैदा नहीं होता, सबका लाल खून ही होता, बट स्टिल हम देखते हैं लोगों के बीच में बहुत तनाव है, लोग कहते हैं कि ये हमारे खून का रिश्ता है, बट खून के रिश्ते को भूल जाते हैं। इस टॉपिक में ये चीज भी बहुत मैटर करती है, तो आपके हिसाब से बताइए। ये बेटा आपने अच्छा सवाल किया, अगर आप ये सवाल नहीं करते तो ये जवाब मैं आपको बिना आपके सवाल के देता। ये अच्छा सवाल दिया आपने। देखिए जहाँ हमारी आज ब्लड की बात हो रही है, रक्तदान महाकल्याण, वहाँ मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, बहुत दुख होता है, और जो ये मैं बात कह रहा हूँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये हमारे समाज, सोसाइटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, मेरा तो ये नारा है जी। और मरते दम तक एक ही नारा रहेगा, हम सब भाई हैं। सिर्फ मुट्ठी भर जो लोग हैं ना, चाहे वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख है ईसाई है, मुट्ठी भर लोगों ने इस देश का माहौल खराब किया हुआ है जी। कोई बुरे नहीं है, मैं ये मानता हूँ, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, मुझे तो हिंदुस्तान की 10% पॉपुलेशन भी गलत नहीं लगती। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब भाई भाई का खून बहाता है तो उनकी आत्मा क्या मरती नहीं है? अपनी आत्मा को मार के भाई भाई का खून, आज भी आप कोर्ट में चले जाओ, आप 10 में से 2 लोग ये देखेंगे जो भाई भाई को कोर्ट में खड़ा किया हुआ है। बिल्कुल, सास बहू ने कोर्ट में खड़ा किया हुआ है, माता पिता को लोगों ने कोर्ट में खड़ा किया हुआ है, माता पिता ने अपने बच्चों को कोर्ट में खड़ा किया हुआ है। तो मैं ये चाहूंगा, आज मेरा ये संदेश है सभी हिंदुस्तानियों के लिए कि भगवान से डरो, भगवान से डरो, ये जीवन एक बार मिला है, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को तंग मत करो, आप किसी को भी ना करो, लेकिन अपने परिवार के किसी भी इंसान को कष्ट देंगे तो वो फिर मैं एक नम्रता से कहता हूँ कि वो 4 गुना कष्ट भोगने को आप हमेशा तैयार रहना, वो कभी भी भगवान दे सकता है। मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ कि मेरे को कोई दुआ दे तो मैं उनको कहता हूँ 4 गुना इनको प्लस हो, 4 गुना इनको मिले। कोई मुझे आशीर्वाद देता है तो मैं उनको 4 गुना देता हूँ। अगर मेरे को कोई दुख देता है
तो बेटा ये भी मैं भगवान का साक्षी, मैं उसको कहता हूँ भगवान जी इनको चार गुना देना, जो मेरे को दे वो चार गुना देना। अगर हर इंसान ऐसा सोच लेगा तो मुझे लगता है ना वो दुख देगा ना उसको दुख मिलेगा। बिल्कुल सर, इसके साथ एक चीज़ और आती है कि जब भी आप देख सकते हैं ब्लड कैंप्स में आप जाएंगे या आप हॉस्पिटल्स में ब्लड जाते हैं तो उसमें कोई मजहब नहीं होता, उसमें आपको नहीं पता कि वो खून देने वाला व्यक्ति हिंदू है, मुसलमान है या सिख है। तो आपके हिसाब से जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम उनके घर का नहीं खाना खाते क्योंकि वो हिंदू हैं या सिख हैं या इस्लाम को बिलोंग करते हैं, तो आपके हिसाब से ये जो खून है, खून रक्त एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान के कह लीजिए अगर अंदर नहीं है तो फिर इंसान का कोई वजूद भी नहीं होता क्योंकि इंसान उसके बिना ख़त्म ही है, तो आपके हिसाब से ये जो डिफरेंस जर्नलिस्ट है, साइंटिस्ट है, जो भी है, ऐसा मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री बताओ कि जिसमें हिंदू ना हो, मुस्लिम ना हो, सिख ना हो या ईसाई ना हो। आज हमारी ये जो नेता है, आज आप देखो ना ऐसी कौन सी कौम है कि जिसमें ये नहीं है। आज एक चीज और भी कहूंगा, नेता है या अभिनेता है, इंडस्ट्री में हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है और सबने देश का नाम रोशन किया हुआ है। एक चीज और भी कहूंगा, आज हमारे वो साइंटिस्ट जो हमारे राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, तो उन्होंने देश का नाम रोशन ही किया, वो मुस्लिम थे। ये मुझे समझ नहीं आती है कि ये बखेड़े कौन खड़ा कर रहा है हिंदू मुस्लिम के, कोई बुरे नहीं है। आज ये हिंदू मुस्लिम की वजह से जो रोटियां सेकते हैं, मैं एक चीज विनम्रता से कहूंगा, ये पाप की गांठे जो आप उठा रहे हो ना, पाप की गांठे आप बांध रहे हो, इसको उठाना बहुत मुश्किल होगा आपको। ये जीते जी भी आपको सुकून नहीं लेने देंगे और मरने के बाद भी आपको चैन से नहीं रहने देंगे। तो मैं चाहूंगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जय जवान जय किसान। जिस तरीके से सर आपने एक्सप्लेन किया कि जो एक रक्त की सही वैल्यू है, सही मायना है, वो हम सब इंसान का ही होता है। अगर हम इंसानों को भी उस चीज़ की वैल्यू नहीं है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो हमारी जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उनको ब्लड भी ना मिले। क्योंकि अगर कोई डोनेट ही नहीं करेगा तो ब्लड बैंक्स भी क्या करेंगे। ब्लड बैंक्स अपना खून तो हर टाइम नहीं निकाल कर दे सकते ना आपको। अगर आप अपना चाहते हैं कि हमारे आने वाला जो फ्यूचर है उसमें हम स्ट्रांगली रहें, हमारे पास हर चीज़, हमारे पास हर सोर्स हमारे पास सेफली हो, तो अपना इंटरेस्ट भी उस साइड करिए कि ना सिर्फ हमें अपना क्या कहते हैं खून वेस्ट करना है। जैसे हम देखते हैं एक्सीडेंट्स में खून बह जाता है या कुछ हो जाता है, वो सब चीज़ें होती हैं सडन चीज़ें। अगर आप इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं तो अपने आप को अपने मिरर की थेरेपी करा कीजिए और सोचिए कि हम भी इंसान हैं। अगर हम ही ऐसी चीज़ें नहीं सोचेंगे, हम ही अपने परिवार के बारे में, हम ही अपने रिश्तेदारों, अपनी फैमिलीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे तो हो सकता है आने वाला टाइम जो है वो बहुत बुरा हो। सो ऐसे ही हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। जो आज का टॉपिक था सर वो बहुत अच्छा था। हम आशा करते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। सो ऐसी सी और अपडेट्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा जी, कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, क्योंकि अगर आप भला कर सकते हो तो करो। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, अपने दोस्तों को कहता हूँ, आज आपके आत्मा चैनल के माध्यम से कहता हूँ, भला किसी का करो या ना करो लेकिन जीवन में कभी किसी का बुरा मत करना। अगर जीवन में आपने किसी का बुरा नहीं किया तो ये 100 भला करने के बराबर है जी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सबका भला, सबका भला और सरबत का भला। नमन जी।